Good evening, everyone. Good evening, students. How are you? Sorry, I got a little bit late. There was a technical glitch, but now I am back with another session at GoPrep. Hello, Sandeep. Hi, Abhishek. अभिषेक, हमारा जो क्विज का टाइमिंग है दैट इज 7 o'clock. दिस इज आर 11th क्लास टाइमिंग फॉर एनिमल किंगडम. हम क्विज करेंगे लेकिन हम करेंगे 7 o'clock पे. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. सॉरी फॉर बीइंग लिटिल बिट लेट, बट कोई बात नहीं. फटाफट से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद एनिमल किंगडम. हमने दो सेशंस लगा लिए हैं इसके, जिसमें पहले हमने क्या किया था अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. देन हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट फाइलम. फर्स्ट फाइलम कौन सा था आपका? पॉरीफेरा. अब हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड फाइलम दैट इज सीलेंट्रेटा प्लस टीनोफोरा. दोनों चीजें करेंगे आप, बट उससे पहले दिस इज योर आइटनरी. सो आज आप इतने सारे सेशंस ऑलरेडी लगा चुके हैं. यू हैव डिस्कस्ड बॉटनी अभ्यास टेस्ट, यू हैव डिस्कस्ड योर अभ्यास टेस्ट फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब आपने डिस्कस कर लिया. सो इसके बाद आप क्या अटेंड करेंगे? देयर विल बी अ सेशन ऑफ फिजिक्स. साथ ही में हमारी क्विज होने वाली है. कब होगी? एट 7 o'clock. सो देयर इज गोइंग टू बी अ क्विज ऑल्सो. सो शुड वी स्टार्ट विद आवर सेशन? सब बच्चे रेडी हैं? सो लेट अस स्टार्ट विद फाइलम नंबर टू. क्या है ये? फाइलम नंबर टू. नंबर वन कौन सा था बच्चों? फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए. आई कैन सी ऑल ऑफ योर कॉमेंट्स. कम ऑन, टेल मी विच वॉज फाइलम नंबर वन. यस कनक, सेकेंड जुओलॉजी अभ्यास टेस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमोरो. टुमोरो एट 3 PM आई विल डिस्कस अभ्यास टेस्ट नंबर टू. फाइलम नंबर वन पूछ रही हूं मैं. नंबर टू तो आपके सामने ही लिखा है. फाइलम नंबर वन दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे. यस, फाइलम नंबर वन कौन सा था बच्चों? दैट वॉज पॉरीफेरा. और क्या बोलते थे इनको? स्पॉन्जेस, बिकॉज दे वर पोर बियरिंग एनिमल्स. बहुत बढ़िया, सबको याद है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलम नंबर टू दैट इज सीलेंट्रेटा. नाउ दिस सीलेंट्रेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइडेरिया. इसी का दूसरा नाम क्या है? नाइडेरिया. सो लेट अस स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले सीलेंट्रेटा में ज्यादा स्पीशी नहीं आते हैं. अराउंड 9,000-9,500 स्पीशीज आर देयर इन द फाइलम सीलेंट्रेटा. मोस्टली ये क्या है? सारे अक्वाटिक है. एवरीवन इज अक्वाटिक. अक्वाटिक में भी देखा जाए तो मैक्सिमम दे आर मरीन वाटर. मरीन वाटर मतलब कहां पर मिलते हैं हमें? सी वाटर में मिलते हैं. बट देर आर फ्यू सीलेंट्रेट्स, देर आर फ्यू नाइडेरियंस विच आर फ्रेश वाटर इन नेचर. फ्रेश वाटर मतलब कहां पर मिलेंगे हमें? रिवर्स में. कहां पर मिलेंगे हमें? ये लेक्स में. Example is going to be Hydra. So they all are aquatic. Aquatic में maximum sea water में रहते हैं, तो marine water हो गए. कुछ कहां पर रहते हैं? Rivers और lake में. उनको क्या बोल देंगे हम? Fresh water. अब इनकी habit किस तरीके की है? क्या ये social animals हैं? क्या ये इकट्ठे रहते हैं या फिर अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं? तो इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करेंगे. They will not form any kind of colony. Example is going to be Hydra. Solitary का मतलब होता है the one who live alone. जैसे आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ही शाय होंगे. दे डू नॉट वॉन्ट टू मेक सम फ्रेंड्स, तो दे वॉन्ट टू स्टे अलोन. वैसे ही जो हाइड्रा है सीलेंट्रेट्स में, वो भी बच्चों अकेला रहता है. इट्स दैट एनिमल विच डज नॉट लिव इन ग्रुप्स. बट एट द सेम टाइम देर आर सम सीलेंट्रेट्स जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जो अपनी कॉलोनी बना लेंगे. बहुत सारे फाइसेलिया इकट्ठे हैं, बहुत सारे ओबिलिया इकट्ठे हैं, सो उनको हम क्या बोल देंगे? कॉलोनियल. होता है नहीं होता? आपके साथ भी होता है ना ऐसा? That there are some students who want to stay alone, there are some students who want maximum of their friends with them. Yes, there are some students. I can see Nikita. Yes, no socialism. कौन है हाइड्रा की तरह यहां पर? बिल्कुल सोशलाइज नहीं करने वाला है जो. हाइड्रा की तरह कौन है? अच्छा, कॉलोनियल है. निशा इज कॉलोनियल, राइट? बहुत सारे हाइड्रा की तरह भी है. लाइक पूनम इज सेइंग कि उनको अकेले रहना ज्यादा पसंद है, जस्ट लाइक हाइड्रा. तो इसी तरीके से बच्चे सीलेंट्रेट में दो तरीके के एनिमल्स हो सकते हैं. वन इज अ सॉलिटरी विच विल लिव अलोन, अदर वन इज अ कॉलोनियल जो ग्रुप्स में रहेंगे. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक. कल हमने बात की थी अबाउट सिमेट्री.
पॉरीफेरा की जो सिमिट्री थी वो सबसे सिंपलेस्ट थी. सबसे सिंपलेस्ट कौन सी थी? ए सिमिट्रिकल, है ना. पॉरीफेरा क्या थे? ए सिमिट्रिकल. अब पॉरीफेरा से आगे हम आ गए हैं सीलेंट रेट में आ गए हैं, तो अब सिमिट्री भी एडवांस होगी. यहां पर कौन सी सिमिट्री आ रही है? रेडियल सिमिट्री. क्या बताया था आपको रेडियल सिमिट्री में? दैट बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. अगर कोई भी प्लेन सेंटर में से पास कर रहा है, इन दैट केस बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हाफ्स. दैट टाइप ऑफ सिमिट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमिट्री. एक चीज और बताई थी कि रेडियल सिमिट्री किसके लिए बेनिफिशियल है? उस ऑर्गेनिज्म के लिए जो क्या है? सेसाइल, जो जुड़े हुए हैं किससे? बॉटम से. दे आर अटैच टू द सबस्ट्रैटम. पहली चीज ये. अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट चीज पे, दैट इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बता दो मुझे फटाफट कि पॉरीफेरा का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था? कम ऑन टेल मी फटाफट से. कल मैंने आपको बताया था अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉरीफेरेंस ऑफ स्पॉन्जेस. यस यशवीर, वी आर प्लानिंग फॉर मेंटी. इट इज टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम. टिल देन हम सिंपल क्विज पर रहेंगे, बट येस इन फ्यू वीक्स वी विल डेफिनेटली कम टू द मेंटी पार्ट. पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सही आंसर दे रहे हैं. पॉरीफेरा में क्या था? इससे बेसिक, इससे पहले वाला क्या था? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब हम सीलेंट रेट में एडवांस हो गए हैं. यहां पर कौन सा लेवल हो गया? टिश्यू लेवल. दैट मीन्स ये जो सेल्स हैं, सेल्स ने ग्रुप बना लिए हैं, उन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. बट दीज टिश्यूज, दीज आर नॉट फॉर्मिंग एनी ऑर्गन. ऑर्गन नहीं बन रहा है, सिर्फ टिश्यू बन रहे हैं. और टिश्यूज आपस में क्या कर रहे हैं? अपनी लेबर को उन्होंने डिवाइड कर लिया है. दैट मीन्स देयर इज डिविजन ऑफ लेबर अमंग द टिश्यूज. अगला पॉइंट क्या था? जर्म लेयर्स का. कितनी जर्म लेयर्स हैं यहाँ पर? दो. दो मतलब उनको क्या बोल देंगे? डिप्लोब्लास्टिक. एंड आई टोल्ड यू आउटर मोस्ट वाली जर्म लेयर कौन सी होती है? कॉल्ड एज एक्टोडर्म, है ना. एंड द इनर वन इज कॉल्ड एज एंडोडर्म. दो हो गई पूरी. वन इज एबसेंट. कौन सी वाली एबसेंट है? मीजोडर्म इज एबसेंट. तो मीजोडर्म की जगह यहां पर एक जेली लाइक मटेरियल होगा. इधर ध्यान दो बच्चों फिगर में. दैट जेली लाइक मटेरियल इज कॉल्ड एज मिजोग्लिया. कल हमने बात की थी, उसको मीजोहाइल लेयर भी बोला था पॉरीफेरा में. याद आया या नहीं आया? येस और नो बता दो मुझे. मीजोहाइल पॉरीफेरा का याद आया सबको? कल जिस जिसने मेरी क्लास लगाई थी फटाफट से मुझे बता दो चैट सेक्शन में. जो पॉरीफेरा का मिजोग्लिया था उसको हमने एक लेयर बोला था कॉल्ड एज मीजोहाइल लेयर. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड. मीजोडर्म नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा, उस सेल की जगह जेली लाइक मास होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? मिजोग्लिया. पॉरीफेरा में उस मिजोग्लिया वाली लेयर को क्या बोला था? मीजोहाइल. यहां पर हम उसको सिंपली क्या बोल रहे हैं? मिजोग्लिया. तो फिगर में ध्यान दो, ये जो एपिडर्मिस है, दिख रही है सबको? दिस एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस बन रही है आउटर मोस्ट लेयर से, कॉल्ड एज एक्टोडर्म, राइट. ये जो बीच की लेयर है अंदर वाली, गैस्ट्रोडर्मिस, ये बन रही है इनर मोस्ट लेयर से, कॉल्ड एज एंडोडर्म. इस तरीके से है बच्चों. अगर ये आपका हाइड्रा है, ये देखिए मैंने हाइड्रा बना दिया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. ये हाइड्रा के क्या है? टेंटिकल्स. टेंटिकल्स निकाल दिए. अब इस हाइड्रा में दो वॉल्स हैं. वन इज द आउटर वॉल जो रेड से बनाई है, अदर वन इज द इनर वॉल जो मैंने ब्लैक से बनाई है. तो जो ब्लैक से बनाई है इसको क्या बोल देंगे? गैस्ट्रोडर्मिस. क्या बोल देंगे बच्चों? साथ साथ मेरे लिखिए आप, गैस्ट्रोडर्मिस. और जो बाहर है, द आउटर वन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. समझ आ रहा है? अब इन दोनों के बीच में देयर इज अ जेली लाइक मटीरियल. ये रहा आपका जेली लाइक मटीरियल, कॉल्ड एज मिजोग्लिया. क्या बोल देंगे इसको? मिजोग्लिया. नाउ कैन यू सी देयर इज अ स्पेस, देयर इज अ कैविटी विच इज लाइंड बाय गैस्ट्रोडर्मिस. ये खाली जगह है, मैं इसको अलग कलर से फिल कर देती हूँ. लेट मी जस्ट फिल इट विद ग्रीन कलर. ये जो बीच का स्पेस है जो गैस्ट्रोडर्मिस ने अपने अंदर ले रखा है, दिस इज द कैविटी. दैट कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. बच्चों
क्या नाम रखेंगे इसका? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। सो अब हमें क्या पता चला सीलेंट्रेट के बारे में? बाहर वाली वॉल क्या होगी? एपिडर्मिस। अंदर वाली वॉल क्या होगी? गैस्ट्रोडर्मिस। उस गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर जो खाली जगह है दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब एक कैविटी मैंने आपको पॉरीफेरा में भी बताई थी, बता दो सब लोग मुझे पॉरीफेरा की कैविटी का नाम। पॉरीफेरा की कैविटी का नाम, कम ऑन टेल मी। वी विल कम टू नाइडोब्लास्ट सेल निलेश, जस्ट वेट अ सेकेंड। अभी मैं पहले बेसिक्स बता रही हूँ, बेसिक्स के बाद मैं इसके स्पेसिफिक चीजों पे आऊंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ पॉरीफेरा की कैविटी, बच्चों पिनाकोडर्म क्वानोडर्म बिल्कुल ठीक, जो क्वानोडर्म के अंदर खाली जगह थी, सील थी एक, उसको क्या बोला था हमने? एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत सही आंसर दिया लक्ष्मी आपने, दैट वॉज कॉल्ड एज स्पॉन्जो सील। तो वहां पर क्या थी? स्पॉन्जोसील। यहां पर इस कैविटी का क्या नाम है? ये रही कैविटी, इसका क्या नाम है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या नाम है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। सो दिस इज हाउ द बॉडी ऑफ सीलेंट्रेट्स लुक, जिसमें ऊपर वाली साइड इसमें क्या होंगे? टेंटिकल्स होंगे, एंड देन देयर इज एन ओपनिंग। यहां पर क्या प्रेजेंट है? There is a opening. That opening is simply called as hypostome. या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको? Mouth भी बोल सकते हैं. So इस opening को क्या बोलेंगे? Mouth बोल देंगे. अब इनमें सीलेंट्रेट्स में कौन सा प्लान फॉलो होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कल बात करी थी हमने बॉडी प्लान की, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जिसमें देयर इज अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एक ओपनिंग होती है जिससे एंट्री भी होगा और क्या होगा? एग्जिट भी होगा। तो वो ओपनिंग कौन सी है इनमें? माउथ है। माउथ के थ्रू ही सब्सटेंसेस एंटर करेंगे, फूड विल एंटर, इट विल बिकम पार्ट ऑफ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और माउथ के थ्रू ही देयर विल बी एग्जिट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, देयर विल बी एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स। ये सबको समझ आया? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान याद आ गया सबको? क्लियर बच्चों? यस मधुरा, ऑस्ट्रियो ऑस्कुलम दे वर इन पॉरीफेरा। वहां पे जो बॉडी प्लान था दैट वॉज सेल्युलर एग्रीगेट ऑफ बॉडी प्लान। यहां पर जो बॉडी प्लान है वो सिंगल ओपनिंग वाला है, जिसको हम बोलेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। किंग राज, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम इसमें हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो पार्ट्स थे ट्यूब विद इन ट्यूब के। अभी तो ट्यूब विद इन ट्यूब आया ही नहीं है, अभी तो हम ब्लाइंड सैक पे चल रहे हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लैटी के भी बाद आएगा, उसके बाद मैं डिवाइड करूंगी इनटू प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, चलिए ये बात हो गई इनके बॉडी प्लान की। नाउ लुक एट देयर बॉडी वॉल। बॉडी वॉल को ध्यान दीजिए, ये है आउटर मोस्ट बॉडी वॉल कॉल्ड एज एक्टोडर्म। ये है अंदर वाली, जिसको गैस्ट्रोडर्म भी बोल सकते हो। बनाया किसने इसको? एंडोडर्म ने बनाया। और बीच में जेली लाइक सब्सटेंस, दिस इज द जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज मेसोग्लिया। राइट बच्चों, आगे चलते हैं। नाउ देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ट्यूब, है ना। डाइजेस्टिव ट्यूब की ओपनिंग कौन सी होगी? माउथ होगी। माउथ को और क्या बोल सकते हैं हम? हाइपोस्टोम बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ कैविटी विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, हम समझ चुके हैं, विच ओपन इन टू आउटसाइड थ्रू अ सिंगल ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज माउथ। अभी जो गैस्ट्रोवास्कुलर है, चलिए इसका मतलब समझते हैं, ब्रेक द वर्ड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। सो आई एम गोइंग टू ब्रेक द वर्ड। हमें बड़ा मजा आता है बायोलॉजी में वर्ड्स को तोड़ने का, है ना। तो गैस्ट्रोवास्कुलर को भी मैंने ब्रेक कर दिया। गैस्ट्रो वर्ड, इट इज रिलेटेड टू डाइजेशन, गैस्ट्रिक, स्टमक, स्टमक मतलब डाइजेशन हो रही है ना। वास्कुलर टर्म इज रिलेटेड टू ब्लड वेसल, किससे रिलेटेड है? ब्लड वेसल से। और वेसल आ गया मतलब किसकी, कौन से सिस्टम की बात हो रही है? सर्कुलेशन की बात हो रही है। तो ये जो कैविटी है, मैं फिगर में आपको दिखाती हूं, दिस कैविटी इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या है ये कैविटी? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। नाउ इन दिस कैविटी देयर वुड बी डाइजेशन, क्योंकि सारा फूड मटेरियल यहीं पे आएगा, सारे सेल्स अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसी में डालेंगे, तो फूड कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो रहा है। साथ ही में जो डाइजेस्ट हुआ फूड है वो मूव भी करेगा, इट विल कीप ऑन सर्कुलेटिंग, अंदर घूमता रहेगा, हर सेल तक पहुंचेगा। तो दो फंक्शन हो जाएंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के, डाइजेशन, साथ साथ में क्या हो जाएगा? देयर इज गोइंग टू बी सर्कुलेशन। राइट,
चलिए आगे चलते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होगा, फूड इज कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल्स. यहाँ पे हमारे पास स्पेशल सेल्स हैं जो फूड को कैप्चर करेंगे. देखो है क्या, अगर ये आपका हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर क्या है, बहुत सारे टेंटिकल्स हैं. इन टेंटिकल्स के ऊपर देयर आर सम सेल्स प्रेजेंट. ये देखो मैंने इसको रेड कलर से दिखाया है, दिस इज अ हाइड्रा. हाइड्रा के पास यहाँ पर माउथ है. अब हाइड्रा तो जुड़ा हुआ है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, मतलब क्या है, सेसाइल है. अब इसको फूड लेना है, फूड थोड़ा सा दूर है, तो कैसे लेंगे फूड, विद द हेल्प ऑफ देयर टेंटिकल्स. ये मेरे जो फिंगर्स हैं वो क्या है, टेंटिकल्स. ये उसकी क्या है, बॉडी है, स्टॉक है, जो कि बेस से अटैच्ड है. तो टेंटिकल्स के ऊपर सेल्स है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट, या फिर क्या बोल सकते हो, नाइडोसाइट्स. सिंस इनके पास नाइडोसाइट्स हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, सिंस इनके पास नाइडोसाइट्स हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, नाइडेरिया. द अदर नेम ऑफ दिस फाइलम इज नाइडेरिया ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन. पता चला ऑल्टरनेट नेम के बारे में, सबको पता चला कि नाइडेरिया क्यों बोल रहा है इसको, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, नाइडोसाइट्स हैं. इनके पास क्या प्रेजेंट है, नाइडोब्लास्ट है, राइट. चलिए अब देखते हैं, अब क्या होगा, जब ये टेंटिकल्स को दिखा कि फूड आ गया है, टेंटिकल्स को पता चला फूड आ गया है, देन दे विल मूव. जो इनके नाइडोसाइट्स है फूड को क्या करेंगे, कैप्चर. फूड क्या लेगा, अंदर एंट्री लेगा. किसके थ्रू एंट्री लेगा, माउथ के थ्रू एंट्री लेगा. अंदर एंट्री लेगा तो किस कैविटी में चला जाएगा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. ये रही आपकी कैविटी, मैं ड्रॉ कर देती हूँ. ये आपकी एपिडर्मिस है एंड दिस इज गोइंग टू बी द माउथ, और ये बीच में आ रही है आपकी गैस्ट्रोडर्मिस, और ये जो कैविटी है, कैविटी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. तो फूड आया, फूड ने अंदर एंट्री ले ली, कहां पर पहुंच चुका है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में. सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो साइड के सेल्स हैं, दे विल रिलीज एंजाइम इन दिस कैविटी. एंजाइम बाहर आएगा, बाहर आएगा तो क्या होगा, फूड की डाइजेशन होगी. दैट डाइजेशन विच इज हैपनिंग आउटसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. तो सबसे पहले फूड अंदर गया, एंजाइम सेल से उठ के बाहर आए, उन्होंने क्या किया, इस फूड को डाइजेस्ट कर लिया. अब क्या होगा, फूड आधा डाइजेस्ट हो चुका है, मतलब अब क्या हो चुका है, देयर इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड. इसको समझो बच्चों, Now the food is partially digested. That partially digested food will enter back into the cell. अब ये आधा digest किया food cell के अंदर जाएगा अपनी digestion को complete करने के लिए. उस digestion को हम क्या बोलते हैं, intracellular digestion. तो दोनों type की digestion होती है इसमें, पहले क्या होगा extracellular, उसके बाद क्या होगा intracellular. Yes, absolutely Nilesh, they would be used for defense. हम उनके function पर आएंगे, हम उनके structure की बात करेंगे साई. थोड़ा सा hold करो, अभी we are talking about digestion. Digestion के बाद we will come back to nidoblast. Just wait a second. Yes, porifera में कौन सी digestion थी, only intracellular. Food आया था, क्वानोसाइट्स ने अंदर लिया, filter करके उसको और अंदर ही digest किया. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा change है, food has come, enzymes बाहर आए, enzymes ने आधे फूड को डाइजेस्ट कर लिया. जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहां पर चला जाएगा, सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. सो दोनों होती है इसमें, पहले क्या होता है एक्स्ट्रा, फिर क्या होता है इंट्रा. एंड द पीपल हु आर आस्किंग फॉर पीडीएफ, स्टूडेंट जो पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि कैसे ज्वाइन करना है. टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे, ऑन टेलीग्राम यू गेट मोस्ट ऑफ द पीडीएफ. ओके, आगे चलते हैं. अब आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है. नाउ वी आर लॉन्चिंग अ मिनी कोर्स विच इज स्टार्टिंग ऑन 8th of June. दिस इज अ स्मॉल कोर्स, 1 week का कोर्स होता है जिसमें आपको एक चैप्टर का मास्टर बनाया जाता है. सो ऑन 8th of June यू कैन स्टार्ट विथ एटॉमिक स्ट्रक्चर. आप अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं केमिस्ट्री में, देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. एंड इफ यू वॉन्ट टू बिकम मास्टर ऑफ एक्सक्रीशन, जो बच्चे 12th में हैं, देखो जिन जो बच्चों ने तो 11th में ज्वाइन किया है, उनको हम धीरे धीरे एक्सक्रीशन कराएंगे. लेकिन अगर वो पहले ही सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स. साथ ही में द स्टूडेंट्स जो मुझे 12th वाले बच्चे देख रहे हैं,
If you have some doubts in excretion, if you want to become master of this topic, then you can join this course with me. If you want to join, then contact us on this email ID or you can call us on this number as well. ठीक है, चलिए कमिंग टू योर डाउट. योर डाउट वॉज कि जो टेंटिकल्स पर प्रेजेंट है सेल्स, सेल्स को क्या बोला था, नाइडोब्लास्ट. कैसे दिखते हैं अब ये नाइडोब्लास्ट, कैसी शेप रहेगी इसकी. दीज आर एक्चुअली ओवल सेल्स. मिलेंगे कहां पर, टेंटिकल्स के ऊपर मिलेंगे. लुक एट दिस नाइडोब्लास्ट, ये सबको दिख रहा है. अब नाइडोब्लास्ट के पास क्या होता है, नाइडोब्लास्ट के पास क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल. अगर ये हाइड्रा है, ये देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा के पास क्या होंगे, टेंटिकल्स होंगे. दीज आर द टेंटिकल्स. टेंटिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, नाइडोब्लास्ट सेल्स होंगे. इन सेल के पास क्या होगा, इस सेल के पास क्या होगा, नेमेटोसिस्ट. डिड यू गेट द हायरार्की. टेंटिकल्स के ऊपर नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट के पास क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल. उस स्टिंगिंग कैप्सूल को क्या बोलना है हमने, नेमेटोसिस्ट. तो ये जो स्ट्रक्चर बना है बच्चों, वो किसका बना है, नेमेटोसिस्ट का बना है. अब ये नेमेटोसिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है. नेमेटोसिस्ट के अंदर यू कैन सी देयर इज अ कॉइल ट्यूब, दिख रही है सबको कॉइल की हुई थ्रेड ट्यूब. दिस इज द थ्रेड ट्यूब. जैसे ही बच्चों, जैसे ही कोई भी मटीरियल, आइदर इट कुड बी फूड और इट कुड बी एनी काइंड ऑफ डेंजर और इट कुड बी देयर प्रे, जिसको ये खाना चाहते हैं, जैसे ही वो नाइडोसेल पे टच करता है, नाइडोसेल क्या हो जाती है, अचानक से एक्टिवेट हो जाती है. ये क्या है, दिस इज नाइडोसेल. लेट मी लेबल इट, दिस इज नाइडोसेल. जैसे ही देयर इज अ मैकेनिकल ट्रिगर टू द नाइडोसेल, पूरा का पूरा नाइडोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा और अपनी थ्रेड ट्यूब को बाहर फेंकेगा. थ्रेड ट्यूब बाहर फेंकी तो थ्रेड ट्यूब में क्या चीज प्रेजेंट है, टॉक्सिन, पॉइजनस फ्लूड. उसको क्या बोलते हैं हम, हिप्नोटॉक्सिन. उससे उसका प्रे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाएगा एंड देन दे कैन कैप्चर दैट प्रे. होना क्या है, सबसे पहले अगर ये नेमेटोसिस्ट है, नेमेटोसिस्ट के ऊपर मान लो दिस इज नाइडोसेल, अगर कोई प्रे नाइडोसेल को टच किया, जैसे इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल ट्रिगर, थ्रेड ट्यूब निकल के बाहर आएगी, वो बाहर फेंकेंगे. बाहर फेंका और उन्होंने अपने प्रे को क्या कर लिया, पकड़ लिया, उसको पैरालाइज करके, उसको हिप्नोटाइज करके. कैसे उसका पैरालिसिस किया, बाय दिस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड कॉल्ड एज हिप्नोटॉक्सिन. लेकिन एक बार अगर थ्रेड ट्यूब बाहर गई तो वो वापस नहीं आ पाएगी. दैट मीन्स वंस द नेमेटोसिस्ट इज यूज्ड, इट इज डन, इट कैन नॉट वर्क अगेन. समझ आया, प्रे को पैरालाइज कैसे करना है, समझ आया सबको. यस एब्सोल्युटली निलेश, ये इफ यू हैव डन स्कूबा डाइविंग या आपने किसी मूवी में देखा है, डिस्कवरी पे देखा है, दैट व्हेन यू नो जेलीफिश टचेस एनी ह्यूमन या फिर किसी भी चीज को टच करते हैं, वी काइंड ऑफ फील अ ट्रिगर, हमें अचानक से हल्का सा करंट लगता है. तो वो किस वजह से लगता है, बिकॉज ऑफ दिस हिप्नोटॉक्सिन. क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने नेमेटोसिस्ट को, नेमेटोसिस्ट में से थ्रेड ट्यूब बाहर आएगी, थ्रेड ट्यूब बाहर आई, उसमें क्या था, हिप्नोटॉक्सिन, जिसकी वजह से इट कैन कॉज लिटल बिट ऑफ पैरालिसिस. निशा होता क्या है कि एक बार अगर थ्रेड ट्यूब बाहर आई, उसने प्रे को तो कैप्चर कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया, इन्होंने उसको कंज्यूम कर लिया. अब इसके बाद ये सारे पार्ट्स नेमेटोसिस्ट के, दे विल कम इनसाइड द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इस कैविटी के अंदर आ जाएंगे, देन दे विल डीजनरेट एंड द कॉम्पोनेंट्स वुड बी रीयूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू नेमेटोसिस्ट. मतलब एक बार अगर थ्रेड ट्यूब बाहर गई तो वो वाला तो हम दोबारा से नहीं यूज कर पाएंगे, तो जो थ्रेड ट्यूब बाहर गई वो सेल अंदर आ जाएगा, पूरा नेमेटोसिस्ट अंदर आ जाएगा, डीजनरेट करेगा और दोबारा से उसके कंपोनेंट्स को यूज किया जाएगा. सो वंस इट इज डिस्चार्ज्ड, इट कैन नॉट बी विदड्रॉन, इट कैन नॉट बी विदड्रॉन. क्लियर सबको. चेतन, 7 o'clock वी हैव अ सिंपल क्विज, सिंपल क्विज मेंटी के लिए. वी आर प्रिपेयरिंग, वी विल कम विद मेंटी वेरी सून. वेरी गुड. जिन बच्चों ने विजिट किया है कैंप्स में या स्कूबा डाइविंग की है, दे कैन फील दिस. जिस जिसको क्लियर है फटाफट से लाइक कर दो सेशन को. देखो एटीपीस तो चाहिए ही होते हैं, तो जितने बच्चे हैं उतने एटीपी आने चाहिए. साथ ही में प्लीज शेयर दिस सेशन, अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कीजिए, वो भी ताकि इसका बेनिफिट ले पाए, ताकि कॉम्पिटिशन बहुत ही स्ट्रांग हो पाए. ठीक है, आगे चलते हैं. So this is how the whole nidoblast is working.
टेंटिकल के ऊपर क्या है? नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट के अंदर क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल का क्या नाम है? नेमाटोसिस्ट। नेमाटोसिस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? थ्रेड ट्यूब। क्या है ये? थ्रेड ट्यूब। इसके पास ये ट्रिगर है, ट्रिगर को क्या बोलते हैं? नाइडोसेल। क्या बोलते हैं इसको? नाइडोसेल। जैसे ही मैकेनिकल ट्रिगर मिला, किसी भी चीज ने नाइडोसेल को टच किया, वैसे ही थ्रेड ट्यूब क्या करेगी? बाहर आ जाएगी। लुक एट दिस, थ्रेड ट्यूब ने पकड़ लिया अपने प्रे को, कॉइल कर लिया, और इस तरीके से दीज नाइडोब्लास्ट दे हैव मेजर फंक्शन इन डिफेंस। अपना बचाव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कौन काम आता है? नाइडोब्लास्ट। और किस में काम आते हैं? कैप्चरिंग प्रे, कैप्चरिंग ऑफ प्रे। देखो, अगर इन्होंने बचना है किसी चीज से तो उसको क्या कर देंगे? पैरालाइज कर देंगे, हिप्नोटाइज कर देंगे। और क्या कर सकते हैं? थ्रेड ट्यूब कॉइल कर लेगी और उसको ये खींच लेंगे अपनी तरफ। दैट इज कॉल्ड एज कैप्चरिंग ऑफ प्रे। सो दिस इज हाउ होल नाइडोब्लास्ट वर्क्स। किसके ऊपर होते हैं? याद रखना है, किसके ऊपर? टेंटिकल्स के ऊपर। सेल को क्या बोला जाता है? नाइडोब्लास्ट। इसी वजह से फाइलम का क्या नाम है? नाइडेरिया। नाइडोब्लास्ट के पास क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल। इस स्टिंगिंग कैप्सूल को क्या बोलते हैं? नेमाटोसिस्ट। यस और नो? सबको समझ आ रहा है? Presently being neurosurgeon, I am tackling your doubt. Presently I am teaching for 2022. लेकिन 2020 वाले भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम तो उनके सिलेबस में भी है। 2021 वाले भी कर सकते हैं टू रिवाइज देयर एनिमल किंगडम। बट ये जो हम कर रहे हैं, ये 11th क्लास का टॉपिक है। एनिमल किंगडम फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जिसमें वी आर ऑन द सेकेंड फाइलम। सेकेंड फाइलम इज कॉल्ड एज नाइडेरिया और सीलेंट्रेटा। चलिए आगे चलते हैं। टॉकिंग अबाउट देयर बॉडी फॉर्म। नाउ दीज सीलेंट्रेट्स, दे एग्जिस्ट इन टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म। दो तरीके की फॉर्म हो सकती है। सब मेरे हाथ की तरफ देखेंगे। Oh, my pen is fallen. Wait a second. So, क्या हुआ था? इधर ध्यान दीजिए, दो बॉडी फॉर्म्स होंगी। फर्स्ट बॉडी फॉर्म वुड बी दैट जिसमें बॉडी इज अटैच्ड टू द बेस, बेस के साथ अटैच्ड है और ऊपर क्या है? टेंटिकल्स है। बॉडी की जो स्टॉक है वो बेस के साथ जुड़ी हुई है, ऊपर क्या है? टेंटिकल्स। इस बॉडी फॉर्म को जो बेस से जुड़ी हुई है और ऊपर टेंटिकल्स है, इसको बोलते हैं पॉलिप, राइट? पॉलिप इज द सिसाइल फॉर्म। ये देखो सामने मैंने क्या लिखा है, पॉलिप इज द सिसाइल फॉर्म। पॉलिप इज सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की तरह बॉडी है और ऊपर क्या है? टेंटिकल्स। अब एक और बॉडी फॉर्म है इस तरीके की, उल्टा कर दो हाथ को। हाथ को मैंने उल्टा किया तो टेंटिकल्स नीचे आ गए, राइट? टेंटिकल्स नीचे आ गए और ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन गया। दिस बॉडी फॉर्म इज कॉल्ड एज मेड्यूसा। मेड्यूसा मतलब अम्ब्रेला शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड, एंड इट इज फ्री स्विमिंग। वो जुड़ी नहीं हुई है बेस से, वो क्या है? फ्रीली घूम सकती है इस तरीके से। और पॉलिप क्या है? पॉलिप हमेशा बेस से जुड़ा रहता है और उसके टेंटिकल्स ऊपर होते हैं। अम्ब्रेला के टेंटिकल्स कहां होंगे? नीचे होंगे, और वो क्या होगा? फ्री स्विमिंग। सो दीज आर टू बॉडी फॉर्म्स इन विच योर सीलेंट्रेट्स दे एग्जिस्ट। पॉलिप सिलेंड्रिकल सेसाइल, मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक एंड फ्री स्विमिंग। सिंस इसमें दो बॉडी फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ का क्या मतलब होता है? फॉर्म्स। इसीलिए हम बोलते हैं सीलेंट्रेट्स दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एक फॉर्म होती है पॉलिप, दूसरी फॉर्म कौन सी होती है? मेड्यूसा। ये क्या बना हुआ है? हाइड्रा बना हुआ है ना, तो हाइड्रा एग्जिस्ट इन पॉलिप फॉर्म। ये क्या बना हुआ है? दिस इज ऑरेलिया, जेलीफिश। जेलीफिश एग्जिस्ट इन मेड्यूसा फॉर्म। दो फॉर्म्स क्लियर हुई सबको? सिंपल, इस तरीके से आप अपने हाथ को याद रखिए। टेंटिकल्स ऊपर, नीचे बेस से जुड़ा हुआ, पॉलिप हाइड्रा। नीचे उल्टा कर दीजिए हाथ को, टेंटिकल्स नीचे, ऊपर अम्ब्रेला बन रहा है, दैट इज मेड्यूसा ऑरेलिया, राइट? साथ ही में इनके स्केलेटन की बात करें, देन स्केलेटन जनरली इज प्रेजेंट इन कोरल्स। हार्ड एक्सोस्केलेटन मतलब एक्सटर्नल स्केलेटन होगा, किससे बना होगा? CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होगा, हार्ड होगा और एक्सोस्केलेटन होगा। इन्हीं फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। सो दीज आर द फॉर्म्स, है ना? अब ये फॉर्म्स क्या करती है बच्चों, लेट मी टेल यू। सबसे पहली चीज,
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहां से एक्सप्लेन करते हैं, देर आर सम सीलेंट्रेट्स जो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, देर आर सम सीलेंट्रेट्स जो सिर्फ मेड्यूसा में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ सीलेंट्रेट्स ऐसे हैं, कुछ नाइडेरियंस ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा। मैं सबके एग्जाम्पल लिखूंगी, स्क्रीन पर ग्लूड रही है, अपने पेन कॉपी के साथ आप लिख लीजिए। ऐसे सीलेंट्रेट्स जो सिर्फ पॉलिप में एग्जिस्ट करते, एग्जाम्पल इज हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? वो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में, इस तरीके से जिसके टेंटिकल्स ऊपर रहेंगे वैसे एग्जिस्ट करेगा। अगला है आपका जो सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जाम्पल इज जेलीफिश। जेलीफिश कौन थी? ऑरेलिया थी। अब कुछ सीलेंट्रेट्स ऐसे हैं जो पॉलिप फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, मेड्यूसा में भी एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ओबेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। समझ आ रहा है बच्चों? आर यू गेटिंग एवरीथिंग? बिल्कुल सबको पॉलिप मेड्यूसा क्लियर है? जिस जिसको समझ आ रहा है फटाफट गिव मी द एटीपीज, फटाफट शेयर दिस सेशन, साथ ही में अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आइए, अपने जूनियर्स को लेकर आइए, उनको बोलिए दैट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी ये लेक्चर्स अटेंड कर पाएंगे। तो है क्या? सम सीलेंट्रेट्स ओनली पॉलिप, दैट इज हाइड्रा। कुछ सीलेंट्रेट्स ओनली मेड्यूसा, ऑरेलिया, जेलीफिश। कुछ क्या होंगे जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज ओबेलिया। और ये जो दोनों फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? एक पॉलिप है, दूसरी कौन सी है? मेड्यूसा है। दे कीप ऑन ऑल्टरनेटिंग अमंग ईच अदर। जो ओबिलिया है वो कभी पॉलिप बन जाता है, कभी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेड्यूसा में। दैट मीन्स ये दे कीप ऑन कन्वर्टिंग लाइक दिस। अगर पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होना चाहता है, सब लोग अपने कान खोल के बैठिए, पॉलिप अगर मेड्यूसा में कन्वर्ट होना चाहता है, देन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट दे हैव टू डू, दैट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप विल कन्वर्ट टू मेड्यूसा बाय ए सेक्शुअल मेथड, मेड्यूसा विल कन्वर्ट टू पॉलिप बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। So, यहां से हमें क्या पता चला? दो चीजें पता चली कि एक तो सीलेंट्रेट्स दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बोथ सेक्सुअल इज पॉसिबल, है ना, एंड ए सेक्सुअल इज पॉसिबल, ये पता चला। साथ ही में जो बोथ वाले ऑर्गेनिज्म है, ओबिलिया और फाइसेलिया, वो पॉलिप फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, मेड्यूसा में भी। मतलब वो क्या शो कर रहे हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, क्या शो कर रहे हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। अगर पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होना चाहता है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी। इधर ध्यान दो, दिस इज पॉलिप। पॉलिप किसने किस में कन्वर्ट होना है? मेड्यूसा में। क्या करना पड़ेगा? बडिंग, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब मेड्यूसा ने पॉलिप में कन्वर्ट होना है, कौन सी रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी? सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो क्या बनाना पड़ेगा? गैमिट्स। तो इसने क्या किया? मेल गैमिट भी बनाए, फीमेल गैमिट भी बनाए। तो यहां से क्या पता चला? एक ही बॉडी ने दोनों टाइप के गैमिट्स बना दिए। दैट मींस ये क्या है? दीज आर हर्मेफ्रोडाइट। क्या है ये बच्चों? कल सीखा था हमने, दीज आर हर्मेफ्रोडाइट, राइट? दैट वन बॉडी इज फॉर्मिंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। बने, स्पर्म और एग बने, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रही है? पानी में हो रही है। तो क्या बोल देंगे इस फर्टिलाइजेशन को? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जायगोट बना, जायगोट ने किस में कन्वर्ट हुआ? लार्वा में कन्वर्ट हुआ। अगर लार्वा बन रहा है तो कौन सी डेवलपमेंट? कल बताया था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। इफ देयर इज लार्वा फॉर्मेशन तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अगर कोई लार्वा नहीं बनता है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो मेड्यूसा ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, दोनों गैमिट्स बनाए, गैमिट्स डिफ्यूज किया, जायगोट बना, जायगोट किस में कन्वर्ट हुआ? लार्वा में। लार्वा फिर किस में कन्वर्ट होगा? पॉलिप में। दिस ऑल्टरनेटिंग बिटवीन जेनरेशन, जिसमें पॉलिप मेड्यूसा, मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? मेटाजेनेसिस। इसको नोट कर लो, मेटाजेनेसिस ऐसा वर्ड है जिसपे कम से कम 4 to 5 times क्वेश्चन हैव कम इन नीट एग्जामिनेशन। क्लियर? मैंने ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक सीलेंट्रेट्स के एक ही पेज पर डाल दिए हैं। जिस जिसको क्लियर है गिव मी थम्स अप इन द चैट सेक्शन फटाफट से। जिस जिसको क्लियर हो गया है थम्स अप इन द चैट सेक्शन।
फटाफट से थम्स अप इन द चैट सेक्शन, आई शुड सी दैट थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू. आपको क्लियर होंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे. ऑफ कोर्स एलेक्स यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब. सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी. सारा सिलेबस कवर होता है यहाँ पर, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, विद लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट, विद लॉट्स ऑफ क्विजेस. चलिए, बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया है. सो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मतलब पॉलिप का मेड्यूसा में, मेड्यूसा का पॉलिप में कन्वर्ट होना है. पॉलिप अगर मेड्यूसा में होना चाहता है तो एसेक्सुअल, मेड्यूसा पॉलिप में होना चाहता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेटाजेनेसिस. और अगर पूछा जाए मेटाजेनेसिस इन सब में से कौन शो करता है, हाइड्रा, ऑरेलिया, ओविलिया, फाइसिलिया, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेटाजेनेसिस कौन शो करता है. देखो मेटाजेनेसिस में जनरेशन चेंज करनी पड़ेगी, वही शो करेगा जो पॉलिप फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, मेड्यूसा में भी करता है. सो आंसर क्या हो जाएगा, ओविलिया एंड फाइसिलिया. फाइसिलिया का दूसरा नाम क्या है, फाइसिलिया इज आल्सो कॉल्ड एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. क्या बोला जाता है इसको, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. तो इन चारों में से दो सिलेंट्रेट्स मेटाजेनेसिस शो करेंगे, बाकी दोनों नहीं करेंगे. हाइड्रो एंड ओरेलिया नहीं करते हैं और ओबिलिया और फाइसिलिया करते हैं, दे शो मेटाजेनेसिस. टॉकिंग अबाउट अनदर फीचर दैट इज देयर नर्वस टिश्यू. देखो जब मैंने बात की थी पॉरीफेरा की, पॉरीफेरा में देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल नर्व सेल, एक भी नर्व सेल नहीं था. देखो पॉरीफेरा वॉज द ओनली फाइलम विदाउट एनी सेल ऑफ नर्वस सिस्टम. इसको भी मार्क कर लो, स्टार बना लो, नीट का क्वेश्चन लिख लो, प्लस लगा लो इस पे. पॉरीफेरा ही एक अकेला ऐसा फाइलम है जिसमें एक भी नर्व का सेल नहीं है, नर्वस टिश्यू का सेल नहीं है. अब हम आ गए हैं सीलेंट्रेटा पे, है ना. Now we have come to cilentrata. Cilentrata में nerve cells they are present and they are forming a net. दिख रहा है सबको, ये देखो net बन रहा है, network बन रहा है. So that is called as nerve net. अभी मैं आगे में आपको बताऊंगी कि अलग अलग तरीके का सिस्टम होता है. कुछ लैडर लाइक होता है, सीढ़ियों की तरह होता है, कुछ जाल बिछाकर करते हैं. तो यहाँ पर सीलेंट्रेट्स ने क्या किया हुआ है, एक जाल बिछाया हुआ है. किसका जाल बिछाया हुआ है, नर्व सेल्स का जाल बिछाया हुआ है, जिससे वो अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं. ठीक है. नाउ दिस सीलेंट्रेटा दे आर डिवाइडेड इंटू, ये जो फाइलम है इसको डिवाइड कर दिया इंटू वेरियस क्लासेस. क्लासेस कितनी है, तीन. वन इज हाइड्रोजोआ, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज स्काइफोजोआ, थर्ड इज कॉल्ड एज एंथोजोआ. फाइलम किसमें डिवाइड होता है, क्लास में ही होता है ना. हायरार्की याद है, बॉटनी में पढ़ी थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सबको पता होना चाहिए. किंगडम कौन सा कर रहे हैं हम, एनिमेलिया कर रहे हैं, है ना. फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं हम, सीलेंटरेटा फाइलम पढ़ रहे हैं. अब फाइलम किस में डिवाइडेड होगा, क्लासेस में. तो तीन क्लासेस आएंगी, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ. अगर मैं हाइड्रोजोआ की बात करूं देन द एग्जांपल इज गोइंग टू बी हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसिलिया, ये सब किसकी एग्जांपल है, हाइड्रोजोआ की. तो यहां से मुझे पता चला कि हाइड्रोजोआ में फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और कौन से होते हैं, मरीन वाटर भी होते हैं. फ्रेश वाटर कौन है, हाइड्रा. क्वेश्चन आता है बच्चों, मार्क कर लो इसको नीट के लिए. हाइड्रा पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर. सारे मरीन दिए होंगे, एक दिया होगा हाइड्रा, सो हाइड्रा इज फ्रेश वाटर, बाकी दोनों क्या है, मरीन वाटर. अगर स्काइफोजोआ की बात करें इसमें कौन सी सीलेंट्रेट्स आएंगे, मरीन वाटर वाले आ जाएंगे. एग्जाम्पल इज योर जेलीफिश. जेलीफिश क्या होती है, ओरिलिया. ओरिलिया को ही इसका कॉमन नेम क्या है, जेलीफिश. नेक्स्ट वन इज एंथोजोआ. एंथोजोआ में कौन सी आती है, सी एनिमोन आ जाता है, कोरल्स आ जाती है, गोरगोनिया आ जाता है, अडैम्जिया, दैट इज सी एनिमोन, है ना. ये क्या होता है, सी एनिमोन. पेनाट्यूला की बात करें तो ये क्या होता है, सी पेन. तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं इंपॉर्टेंट सीलेंट्रेट्स के जो हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं. इज दिस क्लियर. With this we are done with बच्चों सीलेंट्रेट. सीलेंट्रेटा हमारा हो गया. Look at this, ये सारे सीलेंट्रेट्स मैंने बनाए हैं. Look at this, this is a jellyfish. दिख रही है कौन सी फॉर्म है, ये मेड्यूसा फॉर्म है. Let me change my color, आपको और क्लैरिटी होगी. So which form is this? This is मेड्यूसा. दिख रहा है ऊपर अम्ब्रेला, नीचे टेंटिकल्स हैं, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, मेड्यूसा. इस वाली फॉर्म को देखिए, ये कौन सी फॉर्म है आपकी, पॉलिप.
क्योंकि टेंटिकल्स कहाँ है, ऊपर, नीचे कहाँ है, नीचे क्या है, स्टॉक विच इज अटैच टू द सबस्ट्रैटम. सो दीज ऑल आर सीलेंट्रेट्स और द नाइटेरियंस. क्या यूनिक फीचर पढ़े हमने इनके, यूएफ. मैंने बोला था मैं हर एक के यूएफ करवाऊंगी, कल हमने पॉरीफेरा के करे थे, आज अगर इसके यूएफ पढ़ेंगे तो क्या यूनिक था इसमें जो किसी में भी नहीं होगा, क्या यूनिक था, क्या यूनिक था, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नाइटोब्लास्ट, है ना. नाइटोब्लास्ट यूनिक है और किसी फाइलम में भी नाइटोब्लास्ट हमें नहीं मिलते. दिस इज समथिंग यूनिक टू दिस फाइलम. और क्या यूनिक है, मेटाजेनेसिस, है ना, ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन. पॉलिप कन्वर्टेड इंटू मेड्यूसा, मेड्यूसा कन्वर्टिंग इंटू पॉलिप, पॉलिप मेड्यूसा में कैसे कन्वर्ट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेड्यूसा पॉलिप में कैसे कन्वर्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज दिस क्लियर, टेल मी येस और नो. यस किंग राज, ओबिलिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेटाजेनेसिस शो करता है. चलें अगले फाइलम पे फटाफट से, अगला छोटा सा फाइलम पिक करने वाले हैं. नेक्स्ट फाइलम, फाइलम नंबर 3 इज गोइंग टू बी टीनोफोरा. थर्ड फाइलम इज टीनोफोरा. टीनोफोरा के लिए देर आर सम ऑल्टरनेट नेम्स. इनको और क्या बोला जाता है, कूम बीरर्स, कूम जेली, सी वॉलनट. स्टार बना लो यहाँ पे, स्टार. क्यों? क्योंकि इनका जो क्वेश्चन आएगा वो ऑल्टरनेट नेम से ही आएगा. हाई चांसेस आर देयर कि ऑल्टरनेट नेम में से आपको क्वेश्चन आए. अब क्या इसके बारे में खास बात है, दैट दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. दैट मींस ये सब कहां पर मिलते हैं हमें, सी वाटर में. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल फ्रेश वाटर टीनोफोर अवेलेबल. दे आर फ्री स्विमिंग, दैट मींस सेसाइल नहीं है, फ्रीली स्विम कर सकते हैं. कुछ तो इनके पास है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है. अगले पेज पर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज दैट थिंग व्हिच इज हेल्पिंग इन देयर लोकोमोशन. साथ ही में क्या है, दे आर वेरी शाय इन नेचर, दे लिव अलोन, दे डू नॉट फॉर्म एनी कॉलोनीज. कुछ बच्चे थे ना आप में से शाय नेचर वाले जो अकेले रहते हैं, सॉलिटरी हैं, वैसे ही टीनोफोर भी क्या है, दे आर सॉलिटरी एनिमल्स. टॉकिंग अबाउट देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, अब तक तो आप समझ चुके हैं कौन सा लेवल रहता है इनका. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक दैट ऑफ सीलेंट्रेट्स, जिसमें सेल्स दे आर फॉर्मिंग टिश्यू, बट टिश्यू दे आर नॉट फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम. रेडियल सिमेट्री है, मतलब इस तरीके की सिमेट्री है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू देयर सेंटर. और क्या है इनके पास, टू जर्म लेयर्स हैं, है ना, टू जर्म लेयर्स होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक में बाहर वाली क्या होती है, एक्टोडर्म, अंदर वाली क्या होती है, एंडोडर्म. नाउ दिस इज अबाउट टीनोफोर्स. टीनोफोर की बॉडी क्या होगी, जनरली ट्रांसपेरेंट एंड ओवल. इधर ध्यान दो, लुक एट दिस, ये जो डायग्राम है ये मैंने एनसीईआरटी में से लिया है. इसमें क्या होगा, बॉडी के ऊपर देयर वुड बी प्लेट्स, कूम प्लेट्स दिख रही है, दीज आर द कूम प्लेट्स. नंबर पूछा जाता है इसका कि कितनी कूम प्लेट्स हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से कितनी कूम प्लेट्स हैं, 8. इन कूम प्लेट्स के पास क्या प्रेजेंट है, सीलिया. सीलिया इज प्रेजेंट एंड दिस सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन. इस तरीके से होगा बच्चे, अगर ये कूम प्लेट है तो ये सीलिया है, ये देखिए ये भी सीलिया है, दिस इज ऑल्सो सीलिया, दिस इज ऑल्सो सीलिया. तो सीलिया क्या करेगा, इट विल हेल्प इन देयर लोकोमोशन. साथ ही में इनकी बॉडी पर, ओवल बॉडी पे टेंटिकल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. दीज आर द टेंटिकल्स. अगर तो टेंटिकल्स हुए तो नंबर कितना रहेगा टेंटिकल्स का, 2. इफ दे आर प्रेजेंट देन द नंबर वुड बी 2, बट दे कुड बी एबसेंट ऑल्सो, जरूरी नहीं है होंगे ही होंगे. तो क्या स्पेशल फीचर पता चला, प्रेजेंस ऑफ कूम प्लेट. इसीलिए इनको क्या बोला था, कूम जेलीज बोला था ना, बोला था या नहीं बोला था, और क्या बोला था, कूम बियरर्स बोला था, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, कूम प्लेट्स. कूम प्लेट्स के ऊपर क्या है, सीलिया, जो किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट देयर डाइजेशन, इसमें भी वैसे ही है. पहले कौन सी डाइजेशन होगी, कैविटी के अंदर, कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर. फिर जो वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, दैट विल कम इनसाइड द सेल, और उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. क्लियर हो रहा है बच्चों? यस कीर्ति, बिल्कुल ठीक, क्लासेस पर बाद में आएंगे. इज दिस क्लियर कि टीनोफोरा एक्चुअली में चीज क्या है, टीनोफोरा क्या है,
एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, रेडियल सिमेट्री होगी, साथ ही में उसकी बॉडी के ऊपर 8 कूम प्लेट्स होंगी। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 याद कर लो, 8 कूम प्लेट्स। और इन कूम प्लेट्स के ऊपर क्या होंगे, सीलिया, किस में हेल्प करेंगी। कूम प्लेट्स पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन, देयर फंक्शन इज दे विल हेल्प इन द लोकोमोशन। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि शायद टेंटिकल्स लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, बट नो, लोकोमोशन में कौन हेल्प करेगा, दैट इज गोइंग टू बी द सीलिया। नेक्स्ट आता है अबाउट देयर सेंस ऑर्गन, इनके पास क्या है, एक स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, दे हैव अ बैलेंसिंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द एबोरल एंड। अब एबोरल क्या होता है ये समझो, अगर इस तरीके से टीनोफोरा है कोई जिसके पास 2 टेंटिकल्स हैं, साथ ही में यहां पर 8 कूम प्लेट्स हैं, है ना, द जहां पर माउथ प्रेजेंट है, मान लीजिए दिस इज माउथ, द एंड वेयर माउथ इज प्रेजेंट, अगर ये टीनोफोरा का ओवल बॉडी है, अगर यहां माउथ है उससे ऑपोजिट एंड को क्या बोलेंगे, एबोरल, ये हो जाएगा एबोरल। माउथ वाला एंड इज ओरल, ओरल के ऑपोजिट इज गोइंग टू बी द एबोरल। तो माउथ के ऑपोजिट एंड पर क्या प्रेजेंट है, स्टैटोसिस्ट विच हेल्प्स इन द बैलेंसिंग। नर्वस सिस्टम, इसके इसका भी क्या है, इसके जो सेल्स हैं दे आर हाईली डिफ्यूज, फैले हुए सेल्स हैं, बहुत ही ज्यादा फैल चुके हैं, जैसे वहां पर नेटवर्क बना रहे थे, यहां पर क्या है, दे आर कंप्लीटली डिफ्यूज इन द बॉडी। नेक्स्ट कमिंग टू द रिप्रोडक्शन पार्ट, नाउ दे आर ऑल्सो हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है, अ सेम बॉडी, वन बॉडी कैन फॉर्म मेल गैमेट प्लस इट कैन फॉर्म फीमेल। ये जो सिंबल होता है ये हम मेल के लिए यूज करते हैं, जिसमें राउंड देन ऊपर एरो। ये जो सिंबल होता है किसके लिए यूज करते हैं, हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। सो रिप्रोडक्शन कैसी है इनकी, रिप्रोडक्शन में द बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, सो दे आर हर्मेफ्रोडाइट, एंड दे ओनली परफॉर्म सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। टीनोफोरा में देयर इज नो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। सिर्फ कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, अपने गैमेट्स को रिलीज किया। फर्टिलाइजेशन कहां पर होती है, इंटरनल, नॉट इनसाइड द वॉटर। कहां पर हो रही है, इंटरनल। और डेवलपमेंट बच्चों इनडायरेक्ट, आपको पता ही है इनडायरेक्ट मतलब कौन इन्वॉल्व है, लार्वा। लार्वा का क्या नाम है, सिडिपेड लार्वा। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, एक क्वेश्चन पूछ रही हूं कि अगर टीनोफोरा के पास सिडिपेड लार्वा है तो सीलेंट्रेट्स के पास कौन सा था, नेम द लार्वा विच इज प्रेजेंट इन सीलेंट्रेट्स। निशा, सॉलिटरी डज नॉट मीन कि दे विल नॉट कम्युनिकेट, लाइक सॉलिटरी का मतलब है कि वो ग्रुप पे नहीं रह रहे, बट रह रहे हैं। देयर आर अदर टीनोफोर्स इन द वॉटर ऑल्सो, बहुत बड़ा सी है जहां पर बहुत सारे टीनोफोर्स हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि बहुत सारे टीनोफोर्स इकट्ठे एक साथ नहीं रहते, थोड़े से फैले हुए होते हैं। यस, द क्वेश्चन इज नेम द लार्वा इन सीलेंट्रेट्स। नो ट्रोकोफोर, अभी बताया था, आज के सेशन में ही मैंने बताया है। द लार्वा नेम वॉज, यस आंसर इज कमिंग फ्रॉम सम स्टूडेंट्स, एक बच्चे ने आंसर दिया लेकिन आधा दिया, लार्वा वॉज प्लैनुला। वहां पर कौन सा लार्वा था, प्लैनुला। यहां पर कौन सा लार्वा है बच्चों, दैट इज सिडिपेड लार्वा, सिडिपेड। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोरा, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। बायो का क्या मतलब होता है, लिविंग। ल्यूमिनेसेंस का क्या मतलब होता है, लाइट एमिट करना। If any living body is emitting light, that property is called as bioluminescence. Antinophore के पास ये bioluminescence होता है। This is again one very important question, NEET में आ सकता है, आ भी चुका है कि इनमें से कौन सा phylum है जो bioluminescence show करते हैं। या वो इसकी example देके पूछ लेंगे कि which one of the following shows bioluminescence? आपने देखा ही होगा movies में भी, you have seen this bioluminescence जिसमें light आती है ना? Now the examples of Tinophora, क्या क्या एग्जाम्पल होंगी, फर्स्ट वन इज प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया वही है जो मैंने बनाया था इस तरीके से, ओवल बॉडी, 8 मीडियन कूम प्लेट्स, है ना, साथ ही में क्या थे उसके, 2 टेंटिकल्स थे।
कुंभ प्लेट्स के पास क्या चीजें थी, सीलिया प्रेजेंट था विच वॉज हेल्पिंग इन देयर लोकोमोशन. सो वन इज द सी गूसबेरी, अनदर इज टीनोप्लेना, नेक्स्ट वन इज हर्मीफोरा एंड द लास्ट वन इज सेस्टम. ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं. तो यहां पे हमारा टीनोफोरा इज ओवर. दिख रही है सबको इस पेज पे, कैन यू सी दैट इट इज एमिटिंग लाइट, अलग अलग कलर्स आ रहे हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस. कमऑन कमऑन टेल मी, सबको समझ आया? सो आज हमने क्या बात की, आज हमने बात की अबाउट सीलेंट्रेटा, और क्या बात की हमने, टीनोफोरा. अब आपको तो पता ही है जब भी फाइलम खत्म होता है तो हम किसकी बात करते हैं, यूएफ की. यूएफ मतलब यूनिक फीचर्स. क्या यूनिक फीचर्स होंगे टीनोफोरा के? सबसे पहला यूनिक फीचर होगा दैट इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, है ना, बायोल्यूमिनेसेंस. और क्या है ये, एक्सक्लूसिवली मरीन है. और भी हम बात करेंगे, एक और भी ऐसा फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, बट ये भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है दैट दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन. और क्या इसका फीचर है, दैट इज इट हैज कूम्ब प्लेट्स. कूम्ब प्लेट्स है और उन पर क्या है, सीलिया है, जो किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है. राइट, इज दिस क्लियर? मजा आया सबको? सिस्टम बच्चे, इट इज नेम, इट इज एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा. टीनोफोरा की एग्जाम्पल है. चलिए, सो दिस, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय सम अदर बेनिफिट्स ऑफ GoPrep चैनल ऑल्सो, जहां पे आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस मिलती है, आपका डाउट्स भी सॉल्व होते हैं, साथ ही में आपको डेली रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा इफ यू विल ज्वाइन आवर कोर्सेज. हमारे पास 1 ईयर प्रोग्राम भी है, 2 ईयर प्रोग्राम भी है. 1 ईयर प्रोग्राम इज स्पेशली डिजाइन फॉर क्लास 12th स्टूडेंट. जो बच्चे मेरे क्लास 12th के लिए देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, आपकी एवरी वीक बहुत सारे क्लासेस होंगी. क्लासेस के बाद देयर वुड बी मंथली टेस्ट, देयर वुड बी वीकली टेस्ट, साथ ही में आपको बोर्ड्स की भी तैयारी कराई जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा नहीं है कि 12th का अगर कोर्स है तो सिर्फ 12th कराएंगे. वी विल ऑल्सो कवर क्लास 11th ऑल्सो. फर्स्ट वी विल कम्प्लीट द सिलेबस ऑफ क्लास 12th, देन वी विल मूव ऑन टू क्लास 11th. तो इस तरीके से आपका पूरा नीट का प्रिपरेशन हो जाएगा. 11th भी पूरी हो जाएगी, 12th भी पूरी हो जाएगी. बहुत सारे DPPs मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे. सेम वे जो बच्चे मेरे 11th क्लास के देख रहे हैं, 2022 वाले बच्चे हैं, उनके लिए वी हैव गॉट दिस 2 ईयर कंप्लीट प्रोग्राम, जिसमें देयर वुड बी वेरी गुड डिटेल्ड सेशंस वुड बी देयर. थ्योरी की प्रैक्टिस होगी, MCQs की प्रैक्टिस होगी, देयर वुड बी लॉट्स ऑफ इंटरैक्टिव क्विजेज. इंटरैक्टिव क्विजेज, इट इज अ न्यू फीचर जो आपको YouTube पे नहीं मिलता है, दैट यू कैन गेट ओनली इन द दीज कोर्सेज. साथ ही में यू विल गेट लॉट्स ऑफ DPPs, माइंड मैप्स, स्टडी नोट्स मिलेंगे, एंड यू विल बी टॉट बाय रियली ग्रेट फैकल्टी. So if you are interested to join, then the link is in the description box. कल हम मिलने वाले हैं. Tomorrow we are going to meet for another session, जहां पर हम solve करेंगे अभ्यास test number 2. So stay tuned. I'll see you tomorrow. Till then, take care. Do study hard. Thank you.